पहले यूपी ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर का सेवा विस्तार होगा, 6 महीने का सेवा विस्तार होगा। कल रिटायर होने वाले थे दुर्गा शंकर मिश्रा, और उससे पहले बड़ी खबर यह है कि अब उनका सेवा विस्तार किया जाएगा। 6 महीने का ये सेवा विस्तार होने वाला है। कल दरअसल रिटायर होने वाले थे दुर्गा शंकर मिश्रा, और उससे पहले ही उनके सेवा विस्तार को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत का रुख कर लेते सीधा। अजीत, खबर मिल रही है कि अभी जिस तरह की खबरें हैं कि सेवा विस्तार किया जाएगा मुख्य सचिव दुर्गा शंकर का। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा इस वक्त यूपी ब्यूरोक्रेसी से बड़ी खबर है कि दुर्गा शंकर मिश्र जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं उनका सेवा विस्तार किया जाएगा। और देखिए, 2 बार उनका सेवा विस्तार पहले भी किया जा चुका, और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे पसंदीदा चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में, और निर्विवादित चेहरे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी करीबी हैं। और देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया था। जब वो रिटायर हो रहे थे उसके एक दिन पहले ही आदेश सीधे डीओपीटी से जारी हो गया था, और एक बार फिर अभी 2 दिन पहले दिल्ली दौरे पर थे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, और आज अयोध्या में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान भी वो मौजूद थे। तो खबर यह है कि दुर्गा शंकर मिश्र का 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। डीओपीटी से सेवा विस्तार का जो कागज है वो कभी भी आ सकता है। तो लिहाजा जो है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा से जुड़ी बड़ी खबर है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर दुर्गा शंकर मिश्र बने रहेंगे। आकांक्षा, ठीक है अजीत, शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए।